नमस्कार दोस्तों, क्रैकिंग क्रैकिंग इन द ज्वाइंट ये बहुत ही कॉमन समस्या है। आज मैं इसी के विषय में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्जर्शन कर लेते हैं उसके बाद थकावट महसूस करते हैं और बैठते हैं तो आपके ज्वाइंट से जब भी उसमें हरकत होती है तो एक साउंड आता है जिसको कि क्रैकिंग साउंड कहते हैं। और यह जनरली पेनलेस होता है, मतलब ये साउंड आने पर आपको कोई दर्द नहीं होता है। तो ये जनरली जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है एयर मूवमेंट की वजह से और ये बिल्कुल ही हार्मलेस कंडीशन है। लेकिन जब आपके ज्वाइंट्स के मूवमेंट होने पर क्रैकिंग साउंड आता है और यह दर्द के साथ होता है, मतलब पेनफुल क्रैकिंग साउंड आता है, तो ये जो है ये कंडीशन ध्यान देने वाली बात हो जाती है। इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी। तो मैं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्या होता है क्रैकिंग साउंड, जो कि जॉइंट्स में जॉइंट्स के मूवमेंट होने पर देखने में मिलता है। तो यह जो साउंड होता है वो हमारे जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूड होता है, साइनोवियल फ्लूड होता है। यह हमारी एज के साथ साथ ये फ्लूड कम होता जाता है, ड्राई होता जाता है। तो इस फ्लूड के कम होने से जो हमारी जॉइंट्स की बोन है वो आपस में रगड़ में आती है और इनके रगड़ने की वजह से ही साउंड ये प्रोड्यूस होता है। और जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसमें अगर पेन भी होता है, आपको दर्द के साथ अगर साउंड प्रोड्यूस होता है तो इस कंडीशन में आपको कंसल्ट करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि ये इंडिकेशन करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ इंडिकेशन करता है ये। तो पहले तुम जान लेते हैं कि क्या कारण है, किन कारणों की वजह से यह समस्या देखने में आती है। तो पहला इसका कारण है कि एजिंग, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूड होता है वो धीरे धीरे सूखता जाता है और जो जॉइंट्स की बोन है वो अपने आपस में कांटेक्ट में आने लगती हैं, उनके रगड़ने की वजह से यह साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है ऑक्यूपेशन, अगर आपका ऑफिस वाला ज्यादा काम रहता है, ऑफिस में बैठने का काम रहता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, बैठे रहने वाली जॉब है, तो ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ज्यादा देखने में मिलती है, जिसमें कि ये क्रैकिंग साउंड देखने में मिलता है। नेक्स्ट इसका जो कारण हो सकता है वो इंजरी है, अगर आपके ज्वाइंट पे पहले कभी चोट लगी हो दौड़ते समय खेलते समय, तो उस ज्वाइंट पे भी के भी मूवमेंट होने पर क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये हुए इसके कुछ कारण। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं, कौन से सिम्टम्स देखने में आएंगे। तो आपके जो इसमें सिम्टम्स हैं वो ज्वाइंट्स में दर्द होगा, मूवमेंट होने पर दर्द होगा, खासकर कि वॉकिंग करते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होगा, दर्द के साथ क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा जॉइंट्स में। इस दर्द के साथ जॉइंट्स में स्टिफनेस हो सकती है, अकड़न जैसी हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट्स के अंदर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, मतलब कि छूने पर दर्द होगा। इसके अलावा वॉकिंग करते समय या फिर बहुत देर तक बैठे हैं तो बैठने के काफी देर तक बैठने के बाद जब आप उठते हैं तब आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, उठ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस इसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो क्रैकिंग साउंड जब भी जॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है मूवमेंट करते समय, वॉकिंग करते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, तो आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाएं और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी आपको हेल्प करेंगी, तो इसमें पहली मेडिसिन आती है कैल्क्रिया का। अगर आप ओबीस हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस क्रैकिंग साउंड इन जॉइंट्स में प्रोड्यूस होने का एक कारण ओबिसिटी भी होता है। तो अगर आप ओबीस बहुत ज्यादा हैं, फ्लैप भी बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा वर्क करते हैं तो थक जाते हैं, स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, अगर और इस कंडीशन में आपको सीढ़ियां चढ़ते समय आपको के जॉइंट्स में दर्द होता है, इसके अलावा वॉकिंग करते समय भी जॉइंट्स में दर्द होता है, पानी में बहुत देर तक काम कर लिए तब भी आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन में कैल्क्रिया का बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। कैल्क्रिया का आपको आप 200 पोटेंसी मिले, हफ्ते में एक बार लेते हैं इसकी दो खुराकें और इसी तरह से रिपीट करते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफी आराम महसूस होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्रायनिया। ब्रायनिया को किस कंडीशन में लेते हैं, अगर आपको वॉकिंग करते समय जो है जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट रेस्ट करते हैं
कहीं पे चुपचाप से बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो आपको काफी आराम महसूस होता है। तो इस कंडीशन में ब्रायनिया बहुत ही हेल्प करती है। ब्रायनिया को भी आप 200 प्रेगनेंसी में लें और इसकी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को और हफ्ते में 1 दिन लेते हैं और इसी तरह से रिपीट करते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफी आराम महसूस होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है रूटा। रूटा को किस कंडीशन में लेते हैं? जब आपको आपके वॉकिंग करते समय आपके पैरों की ज्वाइंट्स में दर्द होता है और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं पैरों को फैलाते हैं तो आपको आराम मिलता है, सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो आपको दर्द होता है ज्वाइंट्स में और पैरों को फैलाने से आराम मिलता है, स्ट्रेचिंग करने से आराम मिलता है। तो इस कंडीशन में रूटा बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। रूटा को आप 30 प्रोडेंसी में लें, इसकी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को रोज की रोज लेते हैं, कुछ दिन तक लेते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफी आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को किस कंडीशन में लेते हैं? अगर आपके ज्वाइंट्स में बहुत स्टिफनेस है, बहुत ही अकड़न जैसी रहती है और हीट अप्लाई करते हैं, कोई भी गर्म चीज अप्लाई करते हैं, सिकाई करते हैं तो उससे आपको ज्वाइंट्स में काफी आराम मिलता है, ठंडी हवा चलती है तो ज्वाइंट्स में जो दर्द है वो बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको कॉस्टिकम लेना चाहिए। कॉस्टिकम को 30 प्रोटेंसी में लें, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक लेते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफी आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सल्फर। सल्फर को 200 प्रोटेंसी में लेना है। किस कंडीशन में लेना है? अगर आपको खड़े काफी देर तक लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो आपके ज्वाइंट्स में दर्द होता है और इसके अलावा आप काफी देर तक खड़े नहीं रह सकते, किसी चीज का सपोर्ट लेना पड़ता है तभी आपको थोड़ा आराम मिलता है। इसके अलावा आपके हाथों और पैरों में जलन जैसी महसूस होती है तो इस कंडीशन में भी सल्फर बहुत ही अच्छा काम करती है। सल्फर को 200 प्रोटेंसी में लेना चाहिए, इसके 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को और इसे हफ्ते में 1 बार लेना है और कुछ दिन तक ऐसे ही रिपीट करते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफी आराम मिलता है। नेक्स्ट मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ ऐसी कंडीशन के लिए कि अगर आपने एक्सरे करवाया और उसमें दिखाई दिया कि ज्वाइंट्स में नोडोसिटीज बन गई हैं, हार्ड डिपॉजिट्स बन गए हैं, इसके अलावा स्पर आ गए हैं। स्पर का मतलब कि बोन जो है वो एक ग्रोथ शो करती है और वो ग्रोथ किसी नर्व को प्रेस करती है तो इसकी वजह से वहां दर्द होता है, तो स्पर जिसको हम कहते हैं ये एक्सरे में दिख रहा है या कोई नोडोसिटीज दिख रही है तो इसको गलाने के लिए कैल्क्रिया फ्लोर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कैल्क्रिया फ्लोर को आपको 6x पोटेंसी में लेना चाहिए और इसकी 4 गोलियां सुबह 4 गोलियां शाम को ले और रोज की रोज लेते हैं और लगभग इसको 2 से 3 महीने तक काफी लंबे समय तक लेना होगा आपको, तभी ये इन नोडोसिटीज को गलाने में और स्पर को गलाने में बहुत ही अच्छा वर्क दिखाती है। तो ये हुई कुछ जानकारी जो कि क्रैकिंग इन द ज्वाइंट्स, जो कि किसी भी ज्वाइंट में अगर मूवमेंट के दौरान कड़कड़ की आवाज आती है, दर्द के साथ ही आवाज आती है तो उसमें ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।